नहीं नहीं हम दिल सारी ब्लॉग से अभी तो गाइस ये देखो एप्पल का पेड़, एप्पल है एप्पल, बहुत दूर है, मतलब जितना सोच रहे होता है उससे ज्यादा है, 1.5 किलोमीटर नहीं शायद 2.5 किलोमीटर ही होगा। लेकिन बहुत मजा आ रहा है, दिल यहाँ का व्यू दिखाने आई है वाला। ये वाला देखो, ये वाला व्यू देखो, 4-6 लीटर पानी तो निकल ही जाएगा बॉडी से। क्या मिनका वीकनेस हो गया, चक्कर आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, सोचा था जब भी कि मेंगो को एक बार लाके खिलाऊंगा यहाँ पे मनाली में, तो आज ये ट्रीट मेरी तरफ से। हाँ थैंक यू। तो सुबह सुबह जब मैं उठा था यहाँ से, मैंने एक ब्यूटीफुल सा टाइम लैप्स लिया था, वो आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग, और टेम्परेचर भी ठीक ठाक ही है। मनाली में बारिश नहीं है, कल रात को हम लोग आते वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, मौसम एकदम प्लीजेंट है। ये देखो धूप लगी हुई है और मौसम एकदम प्लीजेंट है। वहाँ पे है सोलांग वैली एंड दिस इज़ व्हाट मनाली हैज़ टू ऑफर यू, अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। होटल से बाहर निकलते ही सामने व्यू दिख रहा है। हेलो सर जी, कैसे हो आप? नहीं नहीं हम दिल सारी ब्लॉग से अभी घंटी जरूर निकालने के नहीं तो अभी हम लोग यही पे रुके, साथ ही में कमरे जोगनी वाटरफॉल्स के लिए निकलेंगे, बाइक वगैरह नहीं लेके जाने वाले क्योंकि यहाँ से बहुत पास ही है, तो चल चल के जाएंगे, ट्रैकिंग वीकिंग करेंगे आज, और आज मनाली एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मनाली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट टाइम जब मनाली आया था एक दो चीज़ें छूट चुकी थी जो कि इस वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो अगर आपने लास्ट वीडियो अब तक देखा नहीं है ना, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मनाली हम लोग ने एक्सप्लोर किया था लास्ट टाइम, सोलांग वोलांग गए थे, अभी इस बार सोलांग जाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि बर्फ वगैरह कुछ रहेगा नहीं सोलांग वैली में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन गाइस। मेरा दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। नहीं मैंने अंदर से पुश किया। हम लोग तो भी यहां से देख रहे थे कैमरे में से। हां अंदर पुश नहीं हो रहा था। हो गए सब लोग रेडी आ गए नीचे, मैंने कहा तेरा वेट कर रहा था, सबसे लेट तू कर रही थी। नहीं मैं लेट नहीं कर रही, चाबी नहीं मिल रहा था, मैं एक घंटे से चाबी ढूंढ रही थी। सबसे ज्यादा लेट किया था मैच, एक घंटे से चाबी ढूंढ रहे थे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कैमरा में, तेरे दरवाजे बंद हो रहे थे। मैंने चाबी ढूंढा उसके बाद लॉक लगाने में फिर 5 मिनट लग गए, वो मैं भूल गई थी कि अंदर से सच। आज का मनाली का सीन फाइनली स्टार्ट हो रहा है, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से जोगनी वाटरफॉल बहुत पास है, हम लोग बाइक हमारी यहाँ पे पीछे यहीं पे रहेगी अंडर कैमरा सुपरविजन, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल रात भर यहीं पे खड़ी थी, मैंने बस एक ड्रोन कैरी किया, सामान कैरी करना नहीं है ज्यादा, बहुत छोटा सा बैग, हाँ क्योंकि ट्रैकिंग वैकिंग होगा। और एक चीज मनाली में मास्क कंपलसरी है, ये पकड़ो क्योंकि यहाँ पे है चलान 5,000 रुपए का, 5,000 पे करने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा तुम्हें मास्क पहनो, मेरा मास्क गंदा हो गया, मुझे दूसरा मास्क खरीदना है। क्या जी मास्क? सो गाइस मैंने फाइनली मास्क खरीद लिया। बहुत बड़ा काम किया तुमने, बहुत बड़ा, कि तूने दुनिया के लिए एहसान किया है मास्क खरीद के। आ जा, दुनिया के लिए नहीं अपने लिए किया है ना वो देखो गाना शूट करते हैं ना, ये हंसी वादिया ये गुलास, मेनका का फेवरेट गाना, हमेशा यही गाती है, इसके अलावा कुछ नहीं गाती मेनका। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है और लिटरली इसका व्यू देखो ना, ऐसे ही तो गाना गाने जैसा है। हम लोग उस रास्ते से आए थे, यहाँ से आगे जाओगे तो ओल्ड मनाली है। तो गाइस ये देखो एप्पल का पेड़, ये सच्ची एप्पल है, एप्पल ये देखो असली एप्पल, ये पूरा एप्पल का खेती है। मेनका एप्पल खाना है? एक लेके नहीं 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 भाग जाए क्या? हम किसी का लेके नहीं खाएंगे, मैं सोचा कि आपको दिखा दूं, ये पूरा एप्पल भरा हुआ है इस पे, ऊपर देखो तोड़ दो। हां तोड़ दो, नहीं तोड़ मत, ये देखो कितना सारा एप्पल है। मैंने पहली बार देखा लाइफ में। तो लास्ट टाइम जब आया था ना तो एप्पल इतना सारा भरा हुआ नहीं था, पर इस बार तो देखो एप्पल ही एप्पल है क्योंकि बारिश के टाइम पे ना देखो एप्पल भी उग रहा है और यहाँ पे है ग्रीनरी और ग्रीनरी में है बाबा जी की बूटी बहुत सारी, वो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, मगर बहुत है यहाँ पे, बहुत आस पास में पड़े हुए है। तेरे लिए नया चीज है एप्पल का खेत सच में। ये देखो ये राइट सीजन है और ये अभी मेरे को लगता है अक्टूबर तक ये पूरे पक्के है ना मार्केट में निकल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, शायद मेरे को ऐसा लगता है, डोंट कोट मी ऑन दिस क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। ये देखो पक गया है पूरा, वो पेड़ में पूरा पका हुआ एप्पल है, अगस्त तक हो जाता है, अगस्त तक हो जाता होगा है ना। मैं तो खेती थी ना, खेती थी बस पेड़ नहीं देखा था मैंने। हाँ एप्पल की खेती थी, एप्पल की खेती में क्या होता था आम निकलते थे ना, एप्पल की खेती में आम निकलते थे ना सच्ची बता। तो लास्ट टाइम जब आया था मनाली तो बहुत ज्यादा ठंड थी, मैं इनका पता है
हम लोग यहाँ पे मतलब बिना जैकेट के नहीं घूम सकते थे, तो मैंने सोचा कि आज भी जैकेट पहनना पड़ेगा। जैसे ही जैकेट पहना, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी गर्मी होगी, मगर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाप रे बाप, पसीने छूट रहे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो जोगनी वाटरफॉल्स है, हाईवे पे ही है। हाईवे से अंदर आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर तक। तो गाइस जोगनी वाटरफॉल्स का ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका है। हम लोग को कहाँ जाना है पता है क्या? वो दिख रहा है आपको ऊपर, वहाँ जाना है। और वहाँ जाते जाते आज तो हालत खराब होने वाली है ना, बारिश वरिश हो गई तो हालत खराब हो जाएगी। आज बारिश नहीं है, हम लोग ठुमक ठुमक के आ गए। हम लोग सजते संवरते कोई ध्यान नहीं आया, बारिश भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। हम भाई अपना कैमरा उठाए और आ गए। और तो और दिन में इतना महान महान काम करता है ना कभी कभी। इस कैमरे का बैटरी भूल गया मैं घर पे, एक्स्ट्रा बैटरी। अब जो कैमरे पे बैटरी लगा है वो तो है ही है, एक्स्ट्रा बैटरी भूल गया मैं जो कि अभी होटल में छूट गया है। तो नहीं हुआ तो फिर GoPro है अपने पास एक, उससे व्लॉग करेंगे। ये तो अभी इतना नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उतना ऊपर जा रहा है अभी। लाखों ही बन जाएंगे याद आ गया हमको, थोड़ी बन जाएंगे अलग। यहाँ तक बाइक आ सकती थी, बाइक आती है ना यहाँ तक, यहाँ तक बाइक ला सकते थे मैंने का हम लोग आराम से। हम लोग क्यों नहीं लाए बाइक? हम लोग हमने होटल में छोड़ दी। बहुत दूर है, मतलब जितना सोच रहे होता है उससे ज्यादा है, 1.5 किलोमीटर नहीं शायद 2.5 किलोमीटर ही होगा। बहुत अच्छा है मौसम, बहुत अच्छा है। ऊपर चढ़ते जाना है तो फिर बहुत पसीने निकल रहे, बहुत पसीने निकल रहे, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। दिल का व्यू दिखाना है, ये वाला देखो, ये वाला व्यू देखो। यही छोटा वाला वाटरफॉल है शायद, है ना? यही है ना छोटा वाटरफॉल, यही है। बड़ा पीछे है, बहुत छोटे वाले में जाके जरा बैठेंगे, थोड़ा छोटा झरना में पहुंच गए, बड़ा झरना जाना है। ये देखो यही है छोटा झरना, दिल अभी जा रहा है स्टंट करने। तो ये वाला तो वाटरफॉल इतना कुछ खास नहीं था, मेन ऊपर वाला है। लोगों ने बोला कि ऊपर और इससे भी अच्छा है ना, ऊपर इससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये तो देखो ऐसे ही है, बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत लोग है, बहुत लोग। इससे बेटर ऊपर वाला वाटरफॉल रहेगा तो वहीं पे जाके हम कुछ फोटो वोटो निकालेंगे। अच्छा इनका ठीक है, हम लोग थोड़ा आदत है ना दिल। हाँ हम लोग आदत है, हम लोग एक्चुअली ट्रैकिंग वेकिंग का थोड़ा बहुत आदत है, इसके लिए कोई टेंशन इतना फील नहीं होगा। हम लोग को इधर के लिए बहुत जल्दी निकलना चाहिए था, सब रिटर्न आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये ठंड वाला आइटम है, मेरे को लगा ठंड होगी, यहाँ पर गर्मी है भयंकर। हम लोग ना अभी थोड़ा ब्रेक लिए, दिस इज द व्यू, वो देखो। और जाना है हमको उधर ऊपर, 4-6 लीटर पानी तो निकल जाएगा बॉडी से। फिर से ट्रैकिंग हो गया जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी हमको। दिल की हालत देखिए, दिल की हालत हो गई है, दिल को दिल की आवाज़ धक धक पसीने तो तुम पानी पानी हो गया, एक बार डांस कर देना पानी पानी ऐसे नहीं, अच्छे से अच्छे से। जैकलिन को बुलाना पड़ेगा साथ में, तो मैं बादशाह बन गया नाचूंगा मैं गुरु के साथ में। हाँ जैकलिन बोला था क्या उनका वीकनेस हो गया, चक्कर आ रहा है, वीकनेस हुआ है। 15 मिनट का रेस्ट करके फिर आगे बढ़ रहे। बहुत हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, मगर जो लास्ट पार्ट है ना टफ है। पसीने देख रहे हो, हालत ख़राब हो रही है। अब इतना आगे तो ऊपर तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तो जाएंगे ऊपर, पड़ेगा आपको ऊपर जाके मिलता, मगर बीच में हालत नहीं है ब्लॉक करने की बिल्कुल भी। वहाँ पे वो लोग वो आपको दिखता भी नहीं देगा, वहाँ से चल के आ रहे। बहुत ऊपर आ गए और हालत भी फाइट है, फिश हो गई है। सही है पर मज़ा आ रही है क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, झरने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ से ड्रोन उड़ाने का मज़ा भी कुछ और ही होगा, इसीलिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। ओ भाई फाइनली वो देखो मेनका आ गए हम लोग फाइनली फाइनली। ये देखो वाव यार, यहाँ तक ना उसे छींटे आ रहे हैं, यहाँ तक छींटे उड़ रहे इसके। अब इसको देखकर लग रहा है वर्थ था, वर्थ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पानी आ रहा है मुंह में, वो ऐसा बरसात जैसा, इतना मस्त लग रहा है। इतना हवा चल रहा है यहाँ पे, इतना हवा, बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा वर्थ लगा, वर्थ यहाँ पे आने के बाद में।
क्या मजा आ रहा है उनका, बहुत मजा आ रहा है। आवाज नहीं आ पाएगा क्योंकि इतना सोचा था ना उससे कई ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया, देखो कितना बड़ा है वो ऊपर तक, और वो उड़ रहा है उसके हवे से। हमने एक दूसरे को पकड़ के रखा है वरना तो गिर जाएगा कोई ना कोई। और ऐसी अच्छी जगह हम जाते रहेंगे और मजे करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और कैमरे में फॉग आते रहेगा ऐसा। इनका महंगा टाइटैनिक का पोज दे रही है महंगा, ये शिप नहीं है, ये पत्थर है नीचे। अरे सब कुछ सेव है, पर शिप में ही नहीं हूँ, तो सब कुछ सेव है, पानी है, सब कुछ है। ओ दिल, क्या मजा आ रहा है ना, अलग लेवल का, अलग लेवल का मजा। दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में बीच से। ओ ये क्या चुभ रहा है मेरे को, ओ काटा है, काटा है, काटा है, काटा है यहाँ पे। दिला साहब क्या लग रहे हैं, बस बोलो कि मेहनत तेरी मेहरबानी है, बस मेहनत तेरी मेहरबानी है। अभी हो रहे हैं हम लोग रिटर्न, बहुत बढ़िया था, वर्थ था यहाँ पे आना। लास्ट टाइम आया था मैं यहाँ पे नहीं आया था, मगर इस बार तो बहुत मोटिवेट करके, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट निकाले यहाँ पे। अभी हम लोग ऐसे नीचे उतरेंगे कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, क्यों चिल्ला रही है, टार्जन बन गए, मजा आ गया। मगर इधर आके हम लोग दो तीन लोकेशन जाने वाले थे मगर फिर एक ही लोकेशन में इतना मजा आ गई कि यार चलो बोले ठीक ही है। कंपैरेटिवली नीचे उतरने में उतना टाइम नहीं लगता जितना ऊपर आने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम लोग फटफट अभी नीचे उतर जाएंगे। नीचे तो फटफट हम लोग उतर गए यार, ऊपर जाना अलग कराओगे यार, नीचे जाने उतने मजा आ रहा है लेकिन ऊपर जाते वक्त ना हम लोग की हालत खराब हो गई यार। तो मैंने ना बहुत सालों बाद में अंकल चिप्स का पैकेट देखा यार, अरे मैंने तो यहीं लिया अंकल चिप्स, बहुत सालों बाद अभी इनके पास मिला। नीचे कितने बजे जाओगे आप, अब बंद होने का टाइम हो गया, पूरा ये पूरा सामान लेके जाओगे आप, उसको बोलते हैं सलूट। मैं इनका फाइनली हम लोग पहुंच गए, कहाँ पता है क्या, मॉल रोड, दिस इज मॉल रोड, छोटा वो नहीं लग रहा है ये जैसा नेपाल में वो है ना पोखरा और जैसे वैसे ही है, टूरिस्ट प्लेस है, मोस्टली टूरिस्ट प्लेस है। तो अपन एक काम करते हैं, भूख लग रही, तेरे को भी भूख लग रही, मेरे को भी भूख लग रही। तो फिलहाल एक जगह पे है जहाँ पे हम लोग कुछ खाने वाले, बहुत भूख लग रही थी, हम लोग सुबह निकले थे एक एक पराठा में और इनका खा के निकले थे, चिप्स विप्स का पैकेट खाया मगर उससे भूख जाती नहीं है। अभी फाइनल जाके कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाएंगे कुछ। हम लोग एक्चुअली प्लान था हिडिंबा देवी टेम्पल जाने का, पर वहाँ पे जाने के लिए फिर हम लोग को 1.7 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, अगर चल के नहीं जाना तो हमको बाइक लेके जाना पड़ेगा और बाइक लेने के लिए फिर हम लोग को 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अभी हालत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हम लोगों ने वो प्लान भूख लगी है कैंसिल कर दिया। मेनका को भी भूख लगी थी तो इसलिए पहले कुछ खाएंगे। मेनका रबड़ी चले भी, मेनका मुँह देखो कैसे आ गया, चले भी को रबड़ी में डिप करके खा, एक नंबर खा के तो देख रबड़ी बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ना तो हम लोगों ने ट्राई किया था ये, फिर मैंने सोचा था जब कि मैं इनको एक बार लाके खिलाऊंगा यहाँ पे मनाली में, तो आज ये ट्रीट मेरी तरफ से। हाँ थैंक यू, यम लगता है, यम मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे को भी ना इतना मीठा इतना नहीं होता है फिर भी अच्छा लगा। मैं इनका कर्ड भी मंगाया साथ में, दही जलेबी, दही जलेबी भी खा सकते हैं। सॉफ्टी खाना है, सॉफ्टी दिखा मुझे कोई खाते हुए, सॉफ्टी सॉफ्टी खाना है, देखो सॉफ्टी खाते ना, सॉफ्टी सॉफ्टी खाओ, ये लो मम्मी, अच्छा है, मैंगो फ्लेवर है, तीन चार फ्लेवर एक में, ओ माय गॉड, अरे यार अच्छा हो खाया नहीं मैं खा लेता था इसको गम है, हम आइसक्रीम खाना पहली बार बोला है मैंने, कहने तो कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती, कभी नहीं। मैं भी इतना अच्छा कीटो कर रहा हूँ कि ये दोनों खा रहा हूँ। अरे दिल का तो अभी अभी ना ऐसा हो गया है, कीटो में सिर्फ मीठा खा सकते हैं, कीटो में सिर्फ मीठा, मेरे कीटो में सिर्फ मीठा खा सकते हैं। तो एक काम करते हैं ये पूरा खत्म करते हैं और फिर होटल में जाते हैं क्योंकि कल सुबह हम लोग को बहुत बड़ी राइड पे निकलना है ना, उसके लिए एक्साइटेड है कि नहीं, सोचा तो है, अब कल सुबह निकलेगा तो पता चलेगा कितने पे निकलते, जल्दी निकलना चाहिए कल सुबह, राइड बड़ी है। अभी ये कैमरा बंद होने वाला है जल्दी, तो इसको बंद करता हूँ, आपको होटल में जाके मिलता हूँ ये पूरा खाने। भाई फाइनली गाइस होटल पहुँच गए, अभी
ये जो सामान मेरे पीछे दिख रहा है सारा सब कुछ पैकिंग करना है मेरे को। अब कलर क्या सीन है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब जो भी होगा आपको कल वाली वीडियो में मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो एनीवेज इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल बाय टेक केयर एंड मच चाहते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर। फोन आ गया रिसेप्शन पे, मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग में। ये देखो फल लगे उसके ऊपर, वो देवदार का पेड़ है। देवदास? देवदास नहीं, देवदास थोड़ी है, पारो भी रहेगी फिर। देवदार का पेड़ है।